त्योहार से ठीक पहले ई कॉमर्स बाजार गुलजार नजर आ रहा है। एक तरफ कंपनियां बिक्री के नए रिकॉर्ड बना रही हैं, तो दूसरी तरफ नई कंपनियां दिग्गजों को टक्कर देती नजर आ रही हैं। इसकी वजह छोटे शहरों में ई कॉमर्स की कंपनियों की बढ़ती पहुंच और छोटे टिकट साइज की शॉपिंग को माना जा सकता है। इन्हीं बदलावों का असर है कि कभी ऑर्डर और सेल के मामले में फ्लिपकार्ट को टक्कर देने वाली कंपनी अमेजन पिछड़ने लगी है। एक ताजा रिपोर्ट की माने तो स्मॉल टिकट यानी कम वैल्यू वाले ऑर्डरों पर फोकस करने वाली कंपनी मिशो ने अमेजन को पछाड़ दिया है। कंसल्टेंसी फर्म रेडसियर की इस ताजी रिपोर्ट में चालू फेस्टिव सीजन सेल पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियों को मिले कुल ऑर्डर में करीब 49% हिस्सेदारी के साथ फ्लिपकार्ट समूह अभी भी टॉप पर है। मिशो ने बड़ी छलांग लगाई है और ऑर्डर की संख्या के मामले में करीब 21% हिस्सेदारी के साथ फ्लिपकार्ट समूह के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। इस बड़े उलटफेर में अमेजन ऑर्डरों के मामले में अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है। इसी रिपोर्ट के अन्य आंकड़ों को देखें तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी टोटल ऑर्डर्स की वैल्यू के हिसाब से भी फ्लिपकार्ट समूह की कंपनियों का दबदबा कायम है। फ्लिपकार्ट और समूह की बाकी ई कॉमर्स कंपनियों ने फेस्टिव सीजन सेल के पहले हफ्ते में हुई कुल बिक्री में 62% योगदान दिया। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट समूह में फ्लिपकार्ट के अलावा मिंत्रा और शॉपसी जैसी ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल हैं। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के हिसाब से अमेजन 26% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही है, जबकि बाकी के 12% हिस्से में सभी बची हुई ई कॉमर्स कंपनियां शामिल हैं। इन दोनों तथ्यों पर गौर करें तो एक ट्रेंड साफ उभर कर सामने आता है। ई कॉमर्स बाजार तेजी से अब महानगरों के बजाय छोटे शहरों की ओर शिफ्ट हो रहा है। यही कारण है कि मीशो जैसी स्मॉल टिकट कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि टियर 2 शहरों में मीशो की पहुंच काफी बढ़िया है। ई कॉमर्स सेक्टर की अन्य रिपोर्ट भी बदले ट्रेंड की झलक दिखाती है। स्टाफिंग फर्म टीमलीज की एक रिपोर्ट की माने तो फेस्टिव सीजन जॉब मार्केट खासकर गिग वर्कर्स के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा फेस्टिव सीजन में पहले ही ई कॉमर्स कंपनियां करीब 3 लाख गिग वर्कर्स को नौकरी दे चुकी हैं और दीपावली तक सेक्टर में ऐसे 5 लाख से ज्यादा अन्य कामगारों को काम मिलने की उम्मीद है। अच्छी बात यही है कि ये नौकरियां सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ई कॉमर्स के बढ़ते पेनिट्रेशन के चलते मझोले व छोटे शहरों में ऐसी नौकरियां 40% बढ़ी हैं। मई 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट।